हथियारे मोदी साहब है और रेल मंत्री है, ये कुर्ता पजामा झाड़ के जो घड़ियालू आंसू बहाने गए हैं, इससे देश प्रभावित नहीं होने वाले हैं। लोग आपको जान चुका है, लोग आपको मान चुका है कि आप कर दोस्तों। देखिए जैसे अभी देश में जो है ट्रेन हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसे काफी लोगों का जो है जान चले गया, काफी लोग घायल हैं। इसी को देखते हुए यहाँ जो है पटना में काफी सारे लोग आक्रोश में जो है आके अश्विनी वैष्णव जी का जो है पुतला जलाए हैं, मोदी जी का भी पुतला जलाया है। अच्छा क्यों रैली निकाले? मोदी जी का नहीं पुतला जलाएंगे तो किसका जलाएंगे? मोदी जी ने तो हमारे 300 से 400 हमारे लोगों का ऐसे ही जला दिया, तो हम ऐसे छोड़ देंगे उनको? बताइए, हमारे देश के आम जन लोग, आम पब्लिक, गरीब लोग जो अपने घर से कई कोसों दूर जाके दो वक्त की रोटी के लिए जा रहे थे, लेकिन बेचारे रास्ते में ही रह गए। ये सबके पीछे मोदी जी ही है, आप समझ लीजिए। कैसे आप बोल रहे हैं मोदी जी? तो तरफदारी करना बंद कर दीजिए। तरफदारी नहीं करना, सीधा बोल रहे हैं ना, आइए ना। जब भी कोई घटना होता है, ये चुनाव से पहले ही क्यों होता है, हमें जवाब दीजिए ना। ये चुनाव से पहले ही क्यों होता है? आपको लव जिहाद हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत है? आपने देखा होगा चार गो तपोरी यहाँ पे आ गया था, लव जिहाद हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इनके मुंह में दही जम गया था क्या? मुस्लिम नहीं कर रहे थे वो फांसी की मांग कर, फांसी की मांग। लव जिहाद क्या होता है जी? लव जिहाद लव क्या होता है, आप हमें बता दीजिए ना। जब कोई हिंदू और मुस्लिम वाली बात आती है तब आप रोड पे दिखते हैं, तब आप रोड पे दिखते हैं, ऐसे आप रोड पे नहीं दिखते हैं। आप देश को लड़वाने का हमेशा काम करते हैं। 300 से ज्यादा लोग मारे गए, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। ये 300 लोग के हथियारे मोदी साहब है और रेल मंत्री है, ये कुर्ता पजामा झाड़ के जो घड़ियालू आंसू बहाने गए हैं, इससे देश प्रभावित नहीं होने वाले हैं। लोग आपको जान चुका है, लोग आपको मान चुका है कि आप कितने कितने कायर हैं, आप किस तरह से देश के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, देश के लोग। इस पर मुकदमा होना, अरे इस पर मुकदमा होना चाहिए। सीधा बात है कि दोनों पे, रेल मंत्री और मोदी साहब, दोनों पे मुकदमा होना चाहिए। हत्या का मुकदमा होना चाहिए। 300 लोग का जान अभी गया है, पीछे बहुत सारे लोग घायल हैं और संख्या भी छुपाया जा रहा है, समझ लीजिए। क्या छुपाया जा रहा है? कितने कितने कायर लोग हैं, इनके घर के लोग होते तब तो कोई चुप है, जाके पूछिए भाजपा वाला, गेट बंद कर लेंगे, गेट बंद कर लेंगे। जब बेटी की बात आती है सवाल करिएगा। एक महिला सांसद को देखे थे, महिला मंत्री, केंद्रीय मंत्री, बाप रे ऐसे भाग रही थी जैसे आप उसे क्या पूछ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग गद्दी पर बैठे हैं, जिसे आप सवाल करिएगा तो उल्टी पर बैठक कर रहे हैं। मोदी जी ऐसे ही बैठक करेंगे साहब। वो 24 का चुनाव है और ये किसी भी तरह चाहते हैं 24 को चुनाव को प्रभावित करने का, तो ये कुछ होने वाला नहीं है। आप आम जन को बलि चढ़ा के आप चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। आप लड़ाई आर पार की होगी, आप बहुत हद पार कर चुके हैं। जब भी चुनाव आती है तो ये हादसा करवाते हैं और इसके पीछे मोदी जी का ही हाथ है। आप उठा के जांच पूछ के जांच करेंगे, सबको बहुत बड़ा मुआवजा दे देंगे। क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा? अपना भाई चला जाएगा, आपको मुआवजा देगा तो आप क्या खुश हो जाएंगे? तो वही तो मैं, नहीं आप खुश हो जाएंगे, बताइए ना। आपके भाई अगर आपके घर में फैमिली में, लेकिन सरकार तो वही करती है। क्या हो जाएगा? सरकार हमेशा यही करती है। सरकार खुलामा हमला कभी तक जांच नहीं करवाए, ये भी जांच की विषय है। अगर जांच सफल रहा तो इसमें दोषी पाए जाएंगे मोदी साहब बहुत बड़े चालाक हैं। जो देखिए ट्रेन, तीन ट्रेन एक साथ जो है हादसा हुआ, क्या सब नशा करके? वो आप समझिए ना, आप पत्रकार हैं, आप सर्वे करिए, आप पूछिए ना उनसे जाके, ये हम कैसे जानेंगे, ये हम कैसे? पब्लिक का सवाल है, क्या वो लोग नशा में थे? हम क्या कहते हैं, हम रेल मंत्री नहीं है, हम मोदी जी नहीं है, मेरे अंदर टेक्निकल वाला नहीं है कि हम बता सकते हैं। आप जाके पूछिए ना कि कैसे हुआ, पटरी टूटी थी कि टाइम फेलियर था, क्या था वो आप जानेंगे ना। टेक्निकल प्रॉब्लम था तो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आम जन की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके हाथ में, वही तो आपके हाथ में। लेकिन फिर भी सभी लोग चुप है, कुछ बोल नहीं रहे। ये हथियारे लोग हैं और 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और इसके सारे लोग हथियारे हैं, इस पे मुकदमा होना चाहिए। चलिए आपका परिचय। प्रियाराज। चलिए, जो देश में इस तरह का घटना हुआ है, रेल घटना, इससे लोग काफी ज्यादा आक्रोश हैं। जैसा आप देख रहे हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का पुतला जला रहे हैं, मोदी जी का पुतला जला रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस्तीफा देने के लिए। बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से घटना हुआ है, दिल दहलाने वाली घटना है, आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।